ये एक प्रॉब्लम है, ये दिखाई दे रही है, ठीक सर। है, इसको करते हैं आज। तो ये कोई मुझे बताएगा नंबर ऑफ बीम कितने हैं इसमें? नंबर ऑफ बीम सात सर। देखते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 5 बीम है। याद करो, सही मैंने है कहा सर। था सपोर्ट टू सपोर्ट बीम काउंट होता है, ठीक है। ये अल्फाबेट मत देखो, ए बी सी डी ई एफ जी, है ना, ये एक सपोर्ट है जो एरो लगा हुआ है। ये एक बीम ये हो गया, दूसरा बीम ये हो गया, तीसरा बीम ये हो गया, चौथा बीम ये हो गया, पांचवा बीम ये हो गया, क्योंकि हमें यहाँ पे जॉइंट देना होगा जहाँ सपोर्ट लगी हुई है ना। लोड से मतलब नहीं है, लोड तो मेंबर पे बिना सपोर्ट के भी लग जाता है, पार्शियली पार्ट पे, है ना, तो इससे मतलब नहीं है, केवल आप हाँ ये देखो सपोर्ट टू सपोर्ट। तो ये हमारे पास 5 बीम है, ठीक है, इसको बनाते हैं। और 5 बीम की डायमेंशन क्या है? 3 मीटर, फिर 3 मीटर, फिर है आपका 5 मीटर, फिर 3.5 मीटर, फिर 4 मीटर। चलो, तो सिंपल, अभी तो हम बीम की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो बीम के लिए हमें वो टूल यूज करने की जरूरत नहीं है, या कर भी सकते हैं। जैसे मैं एक ग्रिड पर एक जॉइंट बनाऊंगा, सबसे पहला मैं यूनिट चेंज करता हूँ, शायद यूनिट क्या हो रही है, मीटर और किलोमीटर, ठीक है। मैंने एक नोड बनाया, ग्रिड को क्लोज कर दिया, ये रहा मेरा नोड। इस नोड को मैंने सेलेक्ट किया नोड कर्सर से, और ट्रांसलेट रिपीट टूल में यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, ट्रांसलेट रिपीट टूल। तो एक्स डायरेक्शन में कितने स्टेप हैं? 1, 2, ये तो देखो, ये वाला जॉइंट तो है हमारे पास पहले से, जो मैंने बनाया है, जो मैंने सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। हमें कितने जॉइंट चाहिए? 1, 2, 3, 4, 5। तो कितने स्टेप होंगे? 5 स्टेप होंगे, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ नंबर ऑफ स्टेप 5, ठीक है। अब नंबर ऑफ स्टेप डालने के बाद यहाँ पे बन गई है एक टेबल, और यहाँ पे मैं वो स्पेसिंग डाल देता हूँ जो हमारे प्रॉब्लम में है। तो पहली है 3 मीटर, दूसरी भी 3 मीटर, 3 मीटर, 3, 3, 5, 3, 3, 5, फिर है 3.5 और 4, 3.5 और 4 मीटर, ठीक है। लिंक पे क्लिक करते हैं जिससे मेंबर बन सके, ओके कर देते हैं इसको। इसको मैं येलो क्यूब से फ्रंट व्यू करता हूँ, ये हो गया। अब क्या कह रहा है ये इस प्रॉब्लम में, देखो, कोई मुझे बताएगा ए और बी पे कौन से टाइप की सपोर्ट है? पॉइंट ए और बी पर फिक्स फिक्स है, और जो बीच में सी डी एफ एच है, वहां पे कौन सी सपोर्ट पेन है? पेन पिन, ठीक है। तो दो सपोर्ट हमें इसमें क्रिएट करनी होगी, जनरल सपोर्ट और क्रिएट, एक फिक्स सपोर्ट को ऐड कर लिया और एक पिन सपोर्ट को ऐड कर लिया, ठीक है। अब मुझे कोई बताएगा, मेरे को जॉइंट्स नहीं दिखाई दे रहे, तो जॉइंट दिखाने के लिए मेरे को क्या करना होगा? जॉइंट्स दिखेंगे तभी तो मैं सपोर्ट लगाऊंगा, शिफ्ट प्लस के शिफ्ट प्लस के, ठीक है। फिक्स सपोर्ट पे क्लिक किया और मैंने कंट्रोल के साथ ये दोनों जॉइंट सेलेक्ट कर लिए। कंट्रोल से क्या होता है, दोनों सेलेक्ट हो जाते हैं, जितने सेलेक्ट करोगे, क्लिक करोगे, और असाइन टू सिलेक्टेड नोड्स, ये हो गया। अब मैंने पिन सपोर्ट पे क्लिक किया, ड्रैग करके तीनों चारों सपोर्ट सेलेक्ट करिए और असाइन टू सपोर्ट, ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, ऊपर लिखा हुआ है इसमें क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम इज 300 बाय 450, तो आप बत में से मेरे को कोई बताओ कि इसमें से विड्थ कौन सी है, डेप्थ कौन सी है? क्रॉस सेक्शन गिवन है 300 बाय 450 mm, तो ज्यादा है वो डेप्थ तीन सौ हाँ, एमएम डेप्थ डेप्थ 300 नहीं, 450 है डेप्थ। डेप्थ हमेशा ज्यादा होगी, ठीक है, बीम के केस में, या तो बीम स्क्वायर होगा या फिर डेप्थ ज्यादा होगी, ये याद रखना। तो विड्थ है यहाँ पे 300 mm, डेप्थ है 450 mm। तो मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी में जाता हूँ, डिफाइन
रेक्टेंगल, डेप्थ है हमारी 0.450 और ये है 0.3, क्योंकि मीटर में यूनिट है यहाँ पर, कंक्रीट मटेरियल है। ऐड कर लेता हूँ, ऐड करके मैं असाइन टू व्यू करता हूँ, जिससे ये प्रॉपर्टी सारे बीम पे चली जाए, क्योंकि हमारे पास बीम 5 है। ठीक है, तो मैं यहाँ असाइन टू व्यू पे क्लिक करूँगा और असाइन, तो सभी को प्रॉपर्टी मिल चुकी है। एक बार इसको आप इसमें भी देख सकते हो, 3D में यहाँ पे चेक कर सकते हो, ये रहा। ठीक है, ये मिल गई प्रॉपर्टी, इसे क्लोज करते हैं। तो मॉडल बन गया, सपोर्ट लग गई, प्रॉपर्टी मिल गई। अब है लोड की बारी। इसमें ये नहीं बताया हुआ कि लोड जो है वो डेड है कि लाइव है, तो हम एज्यूम करते हैं कि सारे लोड क्या है, डेड लोड। ठीक है, तो एक लोड टाइप बनाते हैं, लोड एंड डेफिनेशन, लोड केस, एड, डेड, और टाइटल भी उसका डेड ही होगा, डेड लोड, क्लोज। अब इस डेड के अंदर अब स्टार्ट करते हैं लोड लगाना। पहला लोड कौन सा है हमारा, यूवीएल है ना, लीनियर लीनियर वेयरिंग लोड, और ये पूरे बीम पे लग रहा है। ठीक है, जो लीनियर वेयरिंग लोड लग रहा है ना, ये पूरे एक बीम पे लग रहा है, ए टू सी, कोई पार्शियल ही नहीं लग रहा है। ठीक है, और जो मैक्सिमम इसकी इंटेंसिटी है वो 12 किलोन्यूटन पर मीटर है। तो जब ये पूरे बीम पे लग रहा है, तो हमारे पास ये वाला लोड दो तरीके से हम लगा सकते हैं इसको। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, डेड पे क्लिक करके ऐड किया, तो यहाँ पे मेंबर लोड के अंदर एक है हमारा ये वाला और एक है ट्रेपोजॉइडल। ठीक है, तो मैं दोनों से लगा सकता हूँ, इससे भी लगा सकता हूँ, लीनियर से भी और ट्रेपोजॉइडल से भी। बट ट्रेपोजॉइडल में आपको ऑप्शन दिया हुआ है D1 D2 का, यानी कि पार्शियली किसी पार्ट पे लगाना है मेंबर के, तो हमें तो फुल बीम पे लगाना है। तो मैं लीनियर वायरिंग लेता हूँ, नीचे वाला ऑप्शन में W3 है हमारा 12 माइनस, यानी कि डाउनवर्ड। ठीक है, 12 किलोमीटर पर मीटर इस तरीके का लोड लग जाएगा, और इसको ऐड कर लेता हूँ, क्लोज। इसको अप्लाई किस पे करना है, इसको अप्लाई करना है इस वाले बीम पे, तो यही वाला बीम सेलेक्ट करेंगे, इसको सिलेक्ट किया, असाइन टू सिलेक्टेड और असाइन, ये लग गया, शिफ्ट और वी से लोड वैल्यू। ठीक है, अब नेक्स्ट लोड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट लोड है, फुल मेंबर पे है। ठीक है, लीनियर वेयरिंग है, ट्रेपोजॉइडल फॉर्म है, फुल मेंबर पे है ये, सी से डी तक फुल मेंबर पे। एक तरफ है इसका इंटेंसिटी 4 किलो न्यूटन, एक तरफ है 7 किलो न्यूटन। ठीक है, तो डेड पे क्लिक किया, फिर ऐड किया, और इसी में चले जाते हैं हम लीनियर वेयरिंग में। एक तरफ है -4, दूसरी तरफ है -7। ठीक है, माइनस हमेशा याद रखना डाउनवर्ड के लिए। ऐड, क्लोज। अब इसको किस पे अप्लाई करना है, इस वाले बीम पे, तो मैंने ये वाला बीम सिलेक्ट किया, पहले लोड पे क्लिक किया, फिर बीम सिलेक्ट किया, फिर असाइन टू सिलेक्टेड, और ये एक लोड दिखाई दे रहा है ब्लू कलर का, एक ग्रीन कलर का। मैंने बताया था, जरा कोई बताया ऐसा क्यों? जो सिलेक्टेड होता है वो दिखता है ब्लू में, और जो नॉन सिलेक्टेड होता है ग्रीन। ठीक है, अब नेक्स्ट लोड की ओर चलते हैं। नेक्स्ट लोड बता सकता है कोई, ये जो एरो है क्या है, ये ई पे जो लग रहा है, मोमेंट, कौन सी कंसंट्रेटेड मोमेंट है? ठीक है, और इसकी डायरेक्शन क्या है, कोई बताएगा? क्लॉकवाइज। ठीक है, क्लॉकवाइज है। एक डायरेक्शन और इसकी देखो, ये एक्सिस कौन सा है, ये एक्स है, और ये कौन सा है वर्टिकल, वाई है। तो ये कौन से एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रही है, जेड के ना, जेड के अबाउट ही हो रहा है, ये बन रहा है एरो। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना, आगे इसको बताऊंगा मैं कैसे। और ये किस डिस्टेंस पे लग रही है, ये जो डिस्टेंस है ना, डी से हम काउंट करेंगे, डी से 3.5 मीटर पे लग रही है। ठीक है, ये हम ए से नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा बीम ये डी से स्टार्ट है, तो डी से क्लॉकवाइज इंटेंसिटी 15 है और 3.5 मीटर पे है। तो मैं डेड पे क्लिक करता हूँ, ऐड करता हूँ यहाँ पे मेंबर लोड के अंदर कंसंट्रेटेड मूवमेंट, वैल्यू कितनी है 15, और D1 डालेंगे केवल 3.5 मीटर, ऐड कर देते हैं। ठीक है, डायरेक्शन क्या है, Z, ये ध्यान रखना, Z डायरेक्शन।
ऐड किया, क्लोज किया, इसको अप्लाई किस पे करना है, मूवमेंट का जरा ध्यान से देखना, मूवमेंट में गलतियां होती है, इस पे मैंने इसे अप्लाई किया, ठीक है, दिखाई दे रही है मूवमेंट, किसी को दिखाई दे रही है लगी हुई मूवमेंट? नहीं सर। नहीं, क्योंकि इसका एरो इतना बड़ा हो गया, देखो मैं जूम आउट करूंगा तो एरो इतना बड़ा है कि दिखाई नहीं दे रहा हो, तो हमें क्या करना होगा, पहले मैं देखता हूँ इंटेंसिटी मैंने 15 डाली है, ठीक, डिस्टेंस ठीक डाली है, जेड ठीक डाली है, तो मैं क्या करूंगा, सिंबल एंड लेबल वाले आइकन पे जाऊंगा और यहाँ पे स्केल, स्केल में अप्लाई इमिडिएटली पे क्लिक करूंगा और ये क्या है मोमेंट, ये है आपका पॉइंट मोमेंट ये, और इसकी वैल्यू को बढ़ाऊंगा, तो देखो अब एरो आ गया ना इसका, ये इतना कर लेते हैं अपने हिसाब से, ओके। और इसकी डायरेक्शन क्या है अभी, एंटी क्लॉकवाइज है, आप देख सकते हो मैं जूम कर रहा हूँ, तो इसका लोड की वैल्यू किस में डलेगी, माइनस में, क्लॉकवाइज के लिए, कि मैंने अभी आपको बताया जेड डायरेक्शन में है ये, अगर मैं कोई और डायरेक्शन लेता हूँ, देखो एक्स ले लेता हूँ, तो देखो ये ऐसे हो जाएगी फिर इसके अबाउट, लेकिन प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग ये जेड डायरेक्शन में, माइनस का मतलब है डाउनवर्ड, वो क्लॉकवाइज, ये हो गया, ठीक है, 1.5 मीटर पे इसका सेंटर जो है वो ये है, यहाँ पे लग रही है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है आपकी, 3.5 मीटर, शिफ्ट वी से इसकी इंटेंसिटी भी देख लेते हैं कितनी है, 15 किलोमीटर आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट लोड, नेक्स्ट है यूडीएल, पर यूडीएल लग रहा है, यूडीएल जो लगा हुआ है ये वाला कितने बीम पे लगा हुआ है, कोई बताओ, दो बीम के बीच तो हमें ये एक बारी में लगेगा या दो अलग अलग लेने पड़ेंगे, अलग अलग लेने पड़ेंगे, अलग अलग लेने पड़ेंगे, क्योंकि इसमें जो D1 और D2 की वैल्यू होगी, ये इस वाले में जो E से F तक लगाया है, इसमें D1 की वैल्यू होगी 3.5 मीटर और D2 की वैल्यू होगी 5 मीटर, इसी तरह इसमें D1 D2 की अलग वैल्यू हो जाएगी, तो पहले मैं लगाता हूँ ये वाला लोड, मैं इतना लोड लगा रहा हूँ पहले, ये इतना, ठीक है, D1 क्या होता है कि लोड, लोड की कहाँ से स्टार्ट है, जो बीम का स्टार्टिंग पॉइंट है वहां से कहाँ से स्टार्ट है, तो D1 हो गया आपका 3.5 मीटर, फिर होता है कि स्टार्टिंग पॉइंट से एंड कहाँ तक है, स्टार्टिंग पॉइंट से एंड यानी कि 5 मीटर, D2, ठीक है, इंटेंसिटी कितनी है 26, ठीक है, इसको करते हैं, तो मैंने डेड लोड पे ऐड किया एक मेंबर लोड, यूनिफॉर्म फोर्स इंटेंसिटी है -26, D1 है आपका 3.5 और D2 है आपका 5 मीटर, एड क्लोज, इसको अप्लाई करना है मुझे इस वाले बीम पे, तो देखो ये लग गया है, लेकिन एरो बहुत बड़े आ रहे हैं, तो वहां से हम ठीक करेंगे इसे, स्केल अप्लाई इमिडिएटली, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट मूव, सॉरी कहेंगे डिस्ट्रीब्यूट फोर्स, ठीक है, अब मुझे लोड लगाना है यहां से यहां तक, देखें जरा 1.5 मीटर तक, ये डिस्टेंस दी हुई है उन्होंने 1.5 मीटर, तो इसमें D1 होगा 0, क्योंकि 0 से स्टार्ट है, और D2 होगा 1.5 मीटर, तो मैं क्या करता हूं, एक और लोड ऐड करता हूं, मेंबर लोड यूनिफॉर्म फोर्स -26, D1 0, D2 1.5, एड क्लोज, इस वाले बीम पे इसको अप्लाई करता हूँ, ये हो गया, ठीक है, तो ये लोड भी लग गया है, अब नेक्स्ट लोड देखते हैं क्या है, नेक्स्ट मूवमेंट है जो लग रही है 1.5 मीटर पर, ठीक है, सेम उसकी जैसी, लेकिन ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो मैंने एक मूवमेंट ऐड की, मेंबर लोड कंसंट्रेटेड मूवमेंट, -15 डालूंगा एंटी क्लॉकवाइज के लिए, और D1 क्या है 1.5 मीटर, और जेड डायरेक्शन ये ध्यान रखना है आपको, इसको इस पे अप्लाई करना है, देखो दोनों मूवमेंट लग गई, एक क्लॉकवाइज है एक एंटी क्लॉकवाइज है, दूसरा एक पॉइंट लोड लग रहा है एच पे, तो इसको कौन सा लोड लेंगे बताओ कोई, ये जो 20 किलोमीटर का लग रहा है एच पे,
इम्पोर्टेंट एपिसोड। कौन सा? हाँ वो भी ले सकते हैं, लेकिन बेटर होगा क्योंकि वो सपोर्ट पे लग रहा है, तो नोडल लोड लो। ठीक है, ये लग रहा है आपका 20 किलोमीटर। हाँ मैंने डेड पे क्लिक करके ऐड किया और नोडल लोड ले लेता हूँ मैं, और ये डायरेक्शन एफ वाई है माइनस कितना था इंटेंसिटी 20। इसको ऐड किया क्लोज और इसको इस पे अप्लाई कर दिया। इसका भी एरो बहुत बड़ा आ रहा है, इसको भी छोटा कर देते हैं। स्केल अप्लाई इमीडिएटली पॉइंट फोर। ठीक है, नेक्स्ट लोड है आपका लीनियर वेरिंग, वो भी फुल बीम पे आ रहा है, एच से बी तक के फुल बीम पे लीनियर वेरिंग 10 इसकी इंटेंसिटी है। तो इसमें भी कुछ नहीं करना, डेड लोड पे क्लिक किया, ऐड किया मेंबर लोड यूनिफॉर्म लीनियर वेरिंग। ठीक है, लीनियर वेरिंग एक तरफ है जीरो, नहीं फर्स्ट वाले में है आपका 20 और सेकंड वाला जीरो है, तो फर्स्ट वाले में माइनस 20 और जीरो, इसको ऐड करें 10 है। ठीक है, डबल क्लिक करके इसको 10 कर लेते हैं, इसको इस वाले पे अप्लाई करना है। ये हो गया, तो ये हमारा पूरा का पूरा बीम प्रॉपर्टी लग गई, सपोर्ट लग गई, लोड लग गया। अब इसको करना है एनालिसिस। एनालिसिस के लिए एक बार हमें करना होता है यहाँ पे एनालिसिस एंड प्रिंट ऑल। ऑल आपको पता है किस लिए करना होता है, ऐड क्लोज और एनालिसिस। जीरो एरर जीरो वार्निंग डन। अब मैं इसका बेंडिंग में चेक करूंगा यहीं पे, कंट्रोल दबा के स्क्रॉल से मैं इसका थोड़ा सा एनहेंस करूंगा डायग्राम। पोस्ट प्रोसेसिंग में जाकर मैं इसकी वैल्यू देख सकता हूं यहाँ पे, रिजल्ट व्यू वैल्यू और बेंडिंग रिजल्ट में मैक्सिमम मूवमेंट देखूंगा बस, केवल कितनी आ रही है। ठीक है, मैक्सिमम आ रही है 16.496। इसी तरह से मैं शियर फोर्स चेक कर सकता हूँ डायग्राम को थोड़ा बड़ा करके, रिजल्ट व्यू वैल्यू बीम यहाँ से हटा के मैक्सिमम शियर एनोटेट किया गया। और इसी तरीके से मैं चेक कर सकता हूँ डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन प्रोफाइल है मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। ठीक है, एक चीज और हम चेक कर सकते हैं यहाँ से रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन के लिए यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा जहां मेरा कर्सर ब्लिंक कर रहा है। पोस्ट प्रोसेसिंग पे जैसे ही आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे थोड़े से ऑप्शंस अलग आते हैं, बताया था लास्ट क्लास में। यहाँ पे पोस्ट प्रोसेसिंग पे क्लिक करते हो तो अलग ऑप्शन आते हैं, तो अभी मैं रिएक्शन पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे रिएक्शन आ जाएगी। ठीक है, अब देखो ये जो रिएक्शन है ना, जैसे आपको किसी अपने रिपोर्ट में लगाना है, ये अभी रिएक्शन चार हैं, अगर बहुत ज्यादा सपोर्ट होती है तो ओवरलैप हो जाती है। इसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे देखो एक ए लिखा हुआ है, कर्सर दिखाई दे रहा है ब्लिंक होते हुए, क्लिक करना है और इस ए से आप इनको उठा के अपने हिसाब से रख सकते हो ऐसे। जब बहुत सारी सपोर्ट होती है ना तो ये बहुत ज्यादा वो हो जाती है, ओवरलैप हो जाती है आपस में। इनका मतलब क्या है, ये बता क्या रहा है कि इस सपोर्ट पे, क्योंकि फिक्स सपोर्ट पे कितनी रिएक्शन जनरेट होती है, 6 रिएक्शन, लेकिन लोड कंडीशन ऐसी है कि इस पे दो ही रिएक्शन जनरेट हो रही है, एक तो एफ वाई डायरेक्शन में, एक एम जेड डायरेक्शन में। ठीक है, और पिन पे तो एक ही सपोर्ट और एक ही रिएक्शन होती है एफ वाई डायरेक्शन में, देखो, और फिक्स पे आपका मोमेंट भी जनरेट हो रही है रिएक्शन भी जनरेट हो रही है। ठीक है, एक्स में कोई भी रिएक्शन जनरेट क्यों नहीं हो रही, कोई बता सकता है मेरे को? जो फिक्स सपोर्ट है उस पर मैंने आपसे कहा था कि 6 रिएक्शन जनरेट होती है, लेकिन यहाँ पे दो ही क्यों हो रही है? क्योंकि लोड ही नहीं लग रहा, वर्टिकल लोड की वजह से, ये जो वर्टिकल लोड है वाई में, इसकी वजह से मोमेंट जनरेट हो रही है एम जेड, और इसी की वजह से एक रिएक्शन जनरेट हो रही है ये। क्यों?
अगर कोई बीम है, ये बीम है, इस पे कोई लोड लग रहा है वर्टिकल पी, तो ये ऐसे बेंड होगा, ठीक है, और यहाँ पर जो सपोर्ट है ये इसको बियर करेंगे, तो सपोर्ट पे भी रिएक्शन जनरेट होगी पी बाय टू, और ये जो बेंड हो रहा है इसमें मूवमेंट जनरेट होगी, ठीक है, वो इस डायरेक्शन में होगी आपकी MZ। तो अगर किसी और डायरेक्शन में हम लगाएंगे फोर्स एक्स डायरेक्शन में, तो फिर मूवमेंट भी किसी और डायरेक्शन में जनरेट होगी और रिएक्शन भी होगी, है ना। तो हमारा जो फोर्स है वो एक ही डायरेक्शन में, इसलिए हमारे मूवमेंट एक ही डायरेक्शन में जनरेट हो रही है, ठीक है। अब मैं जल्दी से बता देता हूँ, इसको डिजाइन करके दोबारा से याद हो जाएगा। सबसे पहले आपको मॉडलिंग में जाना होता है, एनालिसिस एंड प्रिंट करने के बाद, एनालिसिस करने के बाद जीरो एरर होंगे तभी आप इसको डिजाइन करना। एनालिसिस के नीचे है डिजाइन, कंक्रीट, IS 456 कोड होता है हमारा RCC के लिए। यहाँ पे हम यूनिट चेंज करते हैं, मिलीमीटर न्यूटन, इसलिए चेंज करते हैं कि जो पैरामीटर उनकी वैल्यू हमें याद है न्यूटन और मिलीमीटर में। यहाँ से क्लियर कवर हमने लिया बीम के लिए 25, कॉलम होता तो मैं 40 लेता। एड FC ले लिया मैंने 25, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ स्टील के लिए ले लिया मैंने 415, सेकेंडरी स्टील के लिए भी ले लिया मैंने 415, मैक्सिमम मैंने मान लिया 25, मैक्सिमम फॉर सेकेंडरी स्टील 10, मिनिमम 12, मैंने बताया था मिनिमम 12 ही होता है सेकेंडरी के लिए, 8, रेशियो 4%, ये पैरामीटर होते हैं। साथ में मैंने एक कमांड का भी बताया था इसके बगल में, क्योंकि बीम डिजाइन कर रहे हैं अभी, बीम ही आया है बीम। अब यहाँ एक नई चीज हो रही है, यहाँ पे टेक ऑफ है, दिखाई दे रहा है आपको, टेक ऑफ लिखा हुआ है, बीम कॉलम स्लैब उसके बाद टेक ऑफ, ठीक है। टेक ऑफ हमें क्या बताएगा, अगर मैं टेक ऑफ कमांड लेता हूँ तो हमें ये बता देगा कि कितना कंक्रीट यूज हो रहा है इस बीम को बनाने के लिए और कितना स्टील यूज हो रहा है इस बीम को। अगर आपको किसी चीज का मटेरियल पता चल जाए कितना यूज हो रहा है, तो आप उसे कॉस्ट निकाल सकते हो ना, तो यहाँ पे आप उस बीम की कॉस्ट निकाल सकते हो। तो देखो कैसे, इस कमांड को और ले लेता हूँ मैं, टेक ऑफ को एड क्लोज। अब ये सारे क्योंकि क्वेश्चन मार्क आ रहा है, इनको बीम के ऊपर अप्लाई करना है, तो जल्दी से मैं बीम के ऊपर अप्लाई कर देता हूँ इनको सभी को। सभी को अप्लाई करने के बाद फिर एनालिसिस करना है, और फिर डबल क्लिक करके चेक करना है कि डिज़ाइन हुआ कि नहीं। डन, डबल क्लिक, कंक्रीट डिज़ाइन हो गया है, ठीक है। अब जो टेक ऑफ कमांड लिया था उसका बताया, तो मैं आपको रिपोर्ट में जाना है, रिपोर्ट में जाने के बाद कंक्रीट डिज़ाइन, और यहाँ पे देखो लास्ट में जाना है आपको, यहाँ पे ये डाटा दिखाई दे रहा है आपको जो मैंने अभी रेड कलर से किया है। यस तो सर, टोटल यस सर, वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट इस बीम को बनाने के लिए कितना लग रहा है, 2.5 क्यूबिक मीटर, ठीक है। बार कौन कौन से यूज हो रहे हैं, 8 mm का बार यूज हो रहा है और 12 mm का यूज हो रहा है। जो 8 mm का यूज हो रहा है उसका टोटल वेट न्यूटन में, न्यूटन को आप केजी में कन्वर्ट कर सकते हो या टन में, 310 न्यूटन, और 12 mm का जो डाया है वो कितना वेट यूज हो रहा है, 806। तो टोटल स्टील जो यूज हो रहा है वो 1116 न्यूटन, न्यूटन को आप केजी में भी कन्वर्ट कर सकते हो, और जो मीटर कंक्रीट यूज हो रहा है वो 2.5 क्यूबिक मीटर, और मटेरियल हमने क्या लिया था, ग्रेड 25। तो इन सब की कैलकुलेशन है, उससे आप निकाल सकते हो कि आपका जो कंक्रीट है उसमें कितना सैंड, कितना वाटर, कितना एग्रीगेट मिला है, ठीक है, कितना सीमेंट मिला है, क्योंकि M25 हमने यूज़ किया है, ठीक है, कितने बैग्स लगे हैं सीमेंट के, और आपका स्टील, आपका वेट आप मार्केट में पता कर सकते हो कितने रुपए टन आ रहा है, तो आप इसको कन्वर्ट करके टन में, तो आप इस बीम की कॉस्ट निकाल सकते हो, ठीक है। किसी को कुछ पूछना है इसमें, और ये जो डाटा आया है ना, ये केवल आया है कमांड में, टेक ऑफ कमांड लेने से, अगर टेक ऑफ नहीं लोगे तो ये नहीं आएगा।
ठीक है, अब थोड़ा सा टेक्निकल चीज समझाता हूँ मैं आपको। देखो यहाँ पे, देखो इसी आउटपुट में एक चीज नजर आ रही है आपको, यहाँ पे लिखा हुआ है 257.46 mm, और यहाँ पे लिखा हुआ है 3 बार 12 के। ठीक है, 257 याद रखना, 3 बार 12 के। अभी इनको समझाऊंगा इसका मतलब क्या है। डबल क्लिक करता हूँ तो आ रहा है यहाँ पे कंक्रीट में 3 बार 12 के। ठीक है, क्या है देखो, मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, अगर आप किसी कंसल्टेंसी में जॉब करते हो तो वहाँ पे कैसे काम होता है उसके बारे में बता रहा हूँ। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि काम कैसे होता है। वहाँ पर आपको ये निकालना होता है कि बार में कितना mm स्टील लग रहा है। तो इसमें दो वैल्यू आ रही है, एक तो डबल क्लिक करके आ रही है 3 बार 12 के, और एक हमारे रिपोर्ट के अंदर आ रहा है 257 point something, 38 था शायद इतना mm। तो कंसल्टेंसी में वो ये वाला चाहिए होता है आपको 257। फिर बाद में आप इसको कन्वर्ट करते हो नंबर ऑफ बार में बाय IS कोड के अकॉर्डिंग, SP32 मैंने बताया था आपको। ठीक है, अब कैसे करेंगे, मान लो आपकी जो कंसल्टेंसी है वो ये डिसाइड करती है कि इस बिल्डिंग में हम 16 mm का डाया का स्टील ही डालेंगे। ठीक है, तो 16 mm आपका डिसाइड हो गया, एन क्या हो गया नंबर ऑफ बार इंटू पाई बाय 4 इज इक्वल टू 257, क्योंकि आपको स्टील तो इतना ही डालना है ना, ये 257 mm स्क्वायर स्टील ही डालना है आपको, तभी बीम पास होगा। आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो 12 के बार में भी और 16 के बार में भी। तो मैं जरा इसको कैलकुलेट करता हूँ, ये कितना आएगा नंबर ऑफ बार अगर 16 का यूज करें हम, 257 मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइड बाई 3.14 एंड डिवाइड बाय 16। ये तो बहुत ज़्यादा आ रहा है, सॉरी मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 257 मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइड बाई 6 डिवाइड बाई 3.14। अच्छा एक बार और 16 का मल्टीप्लाई होगा ना, पाई बाई 4 आर डी स्क्वायर होता है ना, ये आ रहा है 3.4, यानी कि इसको हम कम तो लेंगे नहीं, यानी 4 यानी 4 बार 16 के भी हम यहाँ डाल सकते हैं। ठीक है, और IS कोड जो हमारा कहता है वो ये कहता है कि मिनिमम 2 बार तो आपको डालने ही डालने हैं। क्यों डालने हैं 2 बार, ये बीम है आपका, इसके अंदर आपने ये एक बार ये डाला एक बार ये डाला और बीच में स्टीरअप है। तो IS कोड कहता है कि ये वाला जो बार है मेन, ये मिनिमम 2 तो होने ही चाहिए। मान लो आपका डिजाइन करके स्टील इतना आ रहा है कि एक ही बार में काम चल जाएगा, लेकिन आपको 2 डालने ही होंगे मिनिमम, तो ऊपर भी नीचे भी। ठीक है, तो ये था आपका RCC डिजाइन। उसके बाद क्लास आज की इतनी यहीं तक छोड़ देंगे। तो मैं न्यू फाइल करता हूँ, कॉलम डिजाइन, अब सेपरेट डिजाइन कर रहे हैं, बीम भी अलग से डिजाइन किया कॉलम भी अलग से। लेकिन ऐसा होता है क्या, नहीं, जब एक बिल्डिंग आप डिजाइन करते हो उसमें सारे एलिमेंट एक साथ होते हैं, कॉलम बीम सब। ठीक है, लेकिन आप सिंगल की जरूरत भी पड़ सकती है, इसलिए पहले हम कॉलम बीम अलग अलग सेपरेट डिजाइन करना सीखेंगे, उसके बाद हम इनको एक साथ। तो कॉलम वर्टिकल होता है, एक जॉइंट लगाया मैंने, ग्रिड को क्लोज किया, नॉट कट से सिलेक्ट किया, ट्रांसलेट रिपीट टूल, वाई डायरेक्शन, 3 मीटर का बीम है, 5 मीटर का बीम है, कॉलम है लिंक अपवर्ड, नीचे सपोर्ट क्या है हमारी फिक्स। तो मैंने सपोर्ट क्रिएट की एक फिक्स और उसको यहाँ लगा दिया। इसके बाद मैंने प्रॉपर्टी दी, डिफाइन रेक्टेंगुलर सर्कुलर कॉलम ले लेते हैं, ठीक है, 0.5 400 mm कंक्रीट का। ठीक है, इसको इसके ऊपर अप्लाई कर दिया, कॉलम सर्कुलर हो सकता है पर बीम हमारा सर्कुलर नहीं होता। ठीक है, अब इसके ऊपर लोड लगाना है, तो लोड कॉलम के ऊपर यहाँ होते हैं ऊपर, क्योंकि कुछ भी चीज सपोर्ट होता है तो यहाँ होती है, तो मैं यहाँ पे नोडल लोड लगाऊंगा। तो लोड, पहले मैं एक डेड लोड बना लेता हूँ, डेड लोड के अंदर नोडल लोड, और यहाँ पे लगा देता हूँ मैं -20 kN, और मोमेंट भी डाल देता हूँ एक 10। ठीक है, दोनों चीज़ एक साथ इस जॉइंट पे।
इसको मैं अप्लाई करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। एरो बड़ा आ रहा है, वो एरो आप यहाँ से छोटा कर ही सकते हो। स्केल पॉइंट फोर्स, ठीक है, मोमेंट पॉइंट मोमेंट, एनालिसिस एंड प्रिंट। मैंने ऑल नहीं किया ना इस पे, ऑल नहीं करूंगा तो वहां पे डाटा नहीं आएगा आउटपुट में। एनालाइज, जीरो एरर। अब मैं जाऊंगा डिजाइन, यहाँ पे कंक्रीट, यहाँ पे आई एस 456। डिफाइन पैरामीटर से पहले यूनिट चेंज करनी होती है, मिलीमीटर न्यूटन। अब यहाँ पे कौन से पैरामीटर लेने हैं, तो यहाँ पर भी सेम पैरामीटर लेने हैं। क्लियर कवर 40 mm हो जाएगा आई एस कोड के अकॉर्डिंग। एफ सी आपका वही 25 में यूज़ कर रहा हूँ। स्टील 500 में यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। ये भी 500 यूज़ कर रहा हूँ। सेकेंडरी मिनिमम मैक्सिमम 20, ये 10, सारे पैरामीटर वही कर रहा हूँ। केवल क्लियर कवर मैंने क्या किया है, क्लियर कवर मैंने 40 mm लिया है। और यहाँ पे कमांड पे मैं क्या लूंगा, कमांड पे डिजाइन कॉलम और टेक ऑफ। इसको अप्लाई कर देते हैं सारे पैरामीटर को। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्लास में प्रॉब्लम स्टार्ट होगी वो होगी बिल्डिंग डिजाइन करने की। सारे पैरामीटर डाल दिए, फिर एनालिसिस कर दिए, केवल रिजल्ट डिफरेंस होंगे, सारा स्टेप वही है आपके। डबल क्लिक करना है आपको, यहाँ पे आ गया कंक्रीट डिजाइन। यहाँ पे आप देख सकते हो कि सर्कुलर आपका कॉलम है, तो उसमें नंबर ऑफ बार कितने हैं, 6। तो नंबर ऑफ बार 6, साइज 12 mm, परसेंटेज जो उसने यूज किया है स्टील की 0.54, तो ये आपका कॉलम डिजाइन है। इसका डाटा आप इसी तरह से उसमें देख सकते हो, आप आउटपुट में कंक्रीट डिजाइन, और ये रहा डाटा आपका 392 न्यूटन तो यूज हो रहा है स्टील इसमें, और 0.8 क्यूबिक मीटर कंक्रीट यूज हो रहा है इस कंक्रीट को, इस कॉलम को बनाने के लिए। ठीक है, अब एक चीज और, एक टूल और बताता हूँ आपको। अगर आपको अब अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट में या कहीं पे यहाँ पे कुछ लिखना है स्क्रीन पे किसी भी चीज के बारे में, तो यहाँ पर देखो एक ए है, कहाँ गया, कहीं ए डी, ये रहा ए जेड। आप इस पे क्लिक करोगे और यहाँ पे क्लिक करके लिख दोगे कुछ भी, कॉलम डिजाइन, इसको ओके कर दोगे तो यहाँ पे लिखा जाएगा। इसको मूव कराना है तो ये वाला कर्सर, यहाँ पर जो ये पूरी लाइन है ना, एक कर्सर्स की है, अलग अलग चीजों के लिए कर्सर्स यूज होंगे, तब टाइम के टाइम बताया जाएगा। अभी मैं केवल टेक्स्ट कर्सर लेता हूँ, और इससे आप बता सकते हो, कहीं भी लिख सकते हो। इस पे डबल क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप फॉन्ट में जाके साइज चेंज कर सकते हो, कलर चेंज कर सकते हो, इस तरीके से। और इस वाले कर्सर से आप इसको ऐसे मूव करा सकते हो, डबल क्लिक करके फ्रंट, ये मैं अंडरलाइन और ये हटा देता हूँ, ठीक है। तो जब मैं आपसे रिपोर्ट मांगूंगा तो आपको ऐसे नाम लिखना होगा अपना, ठीक है। स्क्रीनशॉट मांगूंगा तो ऐसे नाम लिख के दिखाना होगा कि आपने बनाया। इसको सिलेक्ट किया और डिलीट भी कर सकते हो कीबोर्ड से, ठीक है। और मैं यहाँ पे कौन सा टूल्स है आपका, एक राइट क्लिक करके स्क्रीन पे आप स्ट्रक्चर डायग्राम में फुल सेक्शन देख सकते हो इस तरह से। साथ में आप राइट क्लिक करके स्ट्रक्चर डायग्राम में आप आउटलाइन सेक्शन भी देख सकते हो इस तरीके से, सर्कुलर कॉलम है। आप जैसे ही कहीं पर भी क्लिक करोगे दोबारा ये लाइन डायग्राम बन जाएगा, ठीक है। इसमें अगर मैं डिफ्लेक्शन चेक करूं, ये डिफ्लेक्शन है, और इसको आप एनिमेट भी कर सकते हो, मैंने बता रखा है पहले भी इस तरीके से। ये एनिमेट, इसका मतलब ये नहीं है कि लोड लगने पे ये ऐसे वाइब्रेट करेगा,
वो अर्थक्वेक के केस में और विंड के केस में होता है। ये केबल आपको एनिमेट करके दिखा रहा है डिफ्लेक्शन, ठीक है, जीरो से मैक्सिमम, जीरो से मैक्सिमम इस तरीके से, ठीक है। अब एक चीज़ और मैं उसका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ और कराऊंगा बाद में, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है मैंने आपको बताई थी फर्स्ट में। देखो यहाँ पे एक आइकन है रिपोर्ट के पास, इस पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे कुछ टेक्स्ट नजर आता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मान लो अभी सपोर्ट कौन सी लगाई हुई है मैंने, फिक्स सपोर्ट लगाई हुई ना दोनों एंड पे, एक एंड पे मैं उसको पिन कन्वर्ट करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे केवल टाइप कर दूंगा पिन, सेव कर दूंगा और आप यहाँ देखोगे पिन सपोर्ट लग गई, ठीक है। अगर मेरे को एडिटर नहीं आता और मुझे कुछ एडिट एडिट करना है बिल्डिंग में, मान लो इस सपोर्ट मैंने फिक्स से कन्वर्ट करी पिन में, तो मुझे देखो क्या करना होता, पहले मैं जाता जनरल में सपोर्ट पे, फिर मैं जो फिक्स है उसको डिलीट करता, ठीक है, या फिर यहाँ से रिमूव करता, अप्लाई करता, यहाँ से रिमूव करता, फिर यहाँ पे क्रिएट करता मैं एक पिन सपोर्ट ऐड करता, फिर उस पिन सपोर्ट को यहाँ पे मैं अप्लाई करता, ठीक है। लेकिन अगर मेरे पास एडिटर है तो मैंने क्या किया, केवल एडिटर पे क्लिक किया और ये सपोर्ट को, पिन को अब मैं दोबारा फिक्स कर देता हूँ, फिक्स लिखा और ये मैंने सेव कर दिया, तो यहाँ फिक्स लग गए। तो जो एडिटर है बहुत कम जगह सिखाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग में कुछ एरर आता है तो उसको बहुत जल्दी से आप रिमूव कर सकते हो, इसलिए है केवल। पर इससे आप पूरा स्ट्रक्चर बना सकते हो लेकिन बनाना नहीं होता, क्योंकि है ना देखो एक कॉलम के लिए कितना लिखना पड़ रहा है इसमें, एक कॉलम के लिए इतना सारा टेक्स्ट, और एक बिल्डिंग में 100 कॉलम होंगे तो कितना लिखना पड़ेगा। तो इसको केवल समझना है आपको कि क्या बनाने के लिए क्या लिखना होता है, ठीक है, इसको याद नहीं करना, जिससे आप किसी भी बिल्डिंग के किसी भी एरर को रिमूव कर सको, ठीक है। किसी को कोई डाउट है तो बताओ अभी तक, नो तो मैं एक प्रॉब्लम और भेजूंगा, ठीक है, इस क्लास के बाद, वो भी आपको डिज़ाइन करनी है, कुछ इस तरीके की होगी जैसे अभी कराई है, और उसका स्क्रीनशॉट मेरे को भेजना है, ठीक है। सर, ओके सर। ठीक है, फिर क्लास को लीव करते हैं यहीं पे।